रोहित शेट्टी का खतरों से भरा शो, खतरों के खिलाड़ी 14 को लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो को लेकर लगातार नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। जुलाई में शुरू हुए शो में टीवी के कई नामी स्टार्स ने हिस्सा लिया है। शो के निर्माता रोहित शेट्टी भी कंटेस्टेंट्स के साथ खतरनाक स्टंट करने में पीछे नहीं हट रहे। स्टंट के दौरान कई कंटेस्टेंट्स घायल भी हुए। इसी बीच अब नजर फेम नियति फतनानी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। नियति निहाल ने हाल ही में शो के दौरान अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक स्टंट के दौरान पैनिक अटैक आया था और वह उस वक्त उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। खबर के मुताबिक एक्ट्रेस नियति जब पानी में स्टंट कर रही थी तब उसी वक्त उनके पैनिक अटैक आया था। उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेशनल स्विमर नहीं हूँ, मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती, इसके बाद भी मुझे पानी का स्टंट करने के लिए दे दिया। मैं पहले से ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जैसे ही मैं पानी के अंदर गई मेरी सांसें अटकने लगी, मुझे सांस लेने में इतनी तकलीफ महसूस होने लगी और तब मुझे पहली बार पैनिक अटैक आया था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रही। नियति ने आगे कहा कि मैंने स्टंट मैन को आगे जाने नहीं दिया था जो निशाने तक पहुंचने में मेरी मदद करने आया था। मैंने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया और मैं चिल्लाती रही कि मेरी मदद करो, मदद करो। और फिर नियति ने इस दौरान स्टंट करते समय चोट लगने और काटने के निशान होने का भी जिक्र किया। स्टंट में टोरेंट्यूला, तिलचट्टे और सांप जैसे खतरनाक जानवरों की वजह से मेरे शरीर पर चत्ते पड़ गए हैं। इन निशान की फोटो देखकर मेरी फैमिलीज भी काफी डर गई। इसी के बाद हमने अभी इससे पहले ये भी देखा था कि कुछ दिन पहले आसिम रियाज और रोहित शेट्टी के बीच लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से खतरों के खिलाड़ी सुर्खियों में बन गया था। अपने लॉन्च से पहले से ही खतरों के खिलाड़ी इस बार काफी सुर्खियों में बना हुआ है, कभी लड़ाई की वजह से तो अब नियति निहाल की वजह से। नियति निहाल को 2 बार पैनिक अटैक आया, एक बार पानी में जिसकी वजह से उन्होंने ये अपनी पूरी स्टोरी बताई। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।